सारा मित्र राम राम सास बहु गतड़ का यूट्यूब चैनल पर सारा स्वागत है। तो आज है दिन के टाइम अभी वीडियो बनाऊ अभी चढ़ेगी तो बालारे चक्की मरगा मरगी पाडी सके बंदी रिंती तो बिंगे जिगिया ई गाने दे हम आए बागा देसी है और वो परने खड़ी वो बच्चो है गा तो गामू ही लिया अठवीं पहले देखिया यार आई शनगर फिर बागा बिंग थोड़ा सा बोबा से डेढ़ा दो आता ले रहे हैं आ पार्टी भी गा के सागे बंद थी जो को उधर की अभी गा सागे चल ला के और ओ इंगो बच्चो है ओ मारे सुख और टोगर थी पांच पशु हो गया पहला बागा ही बागा भी है चान की मरगी तो मिंग जगह इन ले गया तो बढ़िया है छोटी सी गाय बढ़िया गमे गमे मिल गई कटी जाने कौन पड़े हमारी गा थान किया लगी कमेंट करके जरूर बताइयो भी किसी क्लियर किया लगी तो छोटी सी है नीम ने देखो कितो ज्यादा बाढ़ दियो सारो फूट गयो हट तक नीचे तक बाढ़ दियो सारा सामने वीडियो एक मनेड़ी है तो भी देखो कितो अच्छी तरीके फूट गयो उठो नोरालो कौन फूटो भी नहीं तो बाढ़ दियो क्योंकि वो डिग्गी गए हैं चिपते ही है तो डिग्गी पानी रिसे नहीं जब वो भी बहुत ज़्यादा बेगो बेगो हरी हो गयो और मैं एक लगाई छोटी सी बकेन गाँव में कहले छी बट लगा सी तो भाई बकेन अभी इड्डी होगी इड्डी मोटी बकेन हो गया एक और पर पटनी तो पड़ सी क्योंकि अठा कंध कुंध काड़ सी जन मुश्किल हो जिसी ज्यादा पटनी पड़ेगी अरे चमेली भी इतनी मोटी होगी वो एक तो गुलाब को है और आ चमेली है ये चमेली जी डाली तोड़गी लगा दी नहीं तो लग जी यार फूल का डा इतना सोना इं लगे हल्की हल्की पूरा गर्मे मीठी मीठी सेंट की सी खुशबू है नी बिशी फेल जी बहुत ही मोटो इं फेल जी अगुन तो हर की नहीं आवा भी नहीं पटके दे और लग जी घनी मोटी है अंगूर की बेल भी बहुत ही सोहनी होगी मार मोटी सारी हो रही है पाँच छः पत्ता काट के बार बार मैं ईंट लगाई हूँ क्योंकि बुगो आगे पट्टा ही और थान दिखाऊँ बेल कितना पत्ता काट गई इतना पत्ता काट गया अंगूर की बेल अरे ये मैं एक चीकू गोभी बीज लगाए तो वो भी पौधो उग गयो चीकू गोभी वो था दिखा सिंह माए नहीं चला गिड़ो थोड़ा सा दो तीन पत्ता और काट ले फिर मैं बिन अलग लगा दे सूँ तो ये मुड़ सर हो रही है तो चीकू बीज तो बहुत बेगो लग गए आम को बीज ही बहुत बेगो लग गया आम का अगर कहीं पौधो लगाना है थाना मैं एक ट्रिक बता दूँ भी आम को पौधो लगावा जब किया लगाना चाहिए तो पहला दरड़ो पट लियो दरड़ो पट गए अभी मैं थोड़ी गोबर वाली खाद रेड़ दियो फिर भी ऊपर माटी रेड़ दियो फिर भी इन्हें फुल पानी उभर दियो फिर छः दिन तक भी नहीं पड़ियो रहने दियो सातवें दिन बाद मैं सूनी में माटी अच्छी बेकड़ूक ऊपर गाल गई थोड़ी सी और फिर भी माँ व आम वाली गुठली माइया रोप दियो बिंग बाद में आम की गुठली जब फूट जे नी या फूट गए पत्तों काट जे तो वो जो कवर हुए नी फूट के निकले तो भी कवर ने हटा दियो या दस दिन रुक गए या सात आठ दिन रुक गए जब पत्ता काट जाए ना जन वो गुठली कवर जो जड़ो सो है नी वो पौधा ने ग्रोथ कौन कर दे तो बिंग जब पत्ता काट जाए नी जन ऊपरली गुठली जो कवर वे भी कवर ने हटा दियो नीचे होले सी कुर्स के बूटो तो पटना दियो बिंग बाद में थे देखो पानी दियो फुल जनवरी के महीने महीने एक जनवरी को जो महीनों है बीह महीने फुल आम को पौधो पानी मांगे एक महीने फुल पानी गालो तो बहुत ही बेगो फाड़ चकेगो जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगो बहुत ही ज़्यादा बद अगर कोई भी पौधा थे लगाना चाहो नहीं तो यही करना चाहिए भी सुख सर डूंगो दरडो खोद लिए फिर भी मैं गोबर वाले खाद रेड़ दे फिर माटी रेड़ के भी पानी भर दे फिर भी पौधो छः दिन बाद लगाओ तो वो पौधो बहुत ही जल्दी जल्दी ग्रोथ करेगा और बहुत ही जल्दी जल्दी मोटो हो तो आए एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है आसानी हो पौधा लग जाए तो थे भी आजमास को कई जना ने शौक हुआ मेरी तरिया भी आम का अनार का कुछ भी कोई चीज़ का पौधा लगाने को तो इन चीज़ों बेगा बेगा लग जाए कई जगह भी धरती सी है नहीं तो बैठे लग जाए दिमक लग जाए पौधा तो भी मैं ये करना चाहिए सात दिनों के एक छोटी सी बसर शूँ खगी पापड़ी सी लेके छोटी बिन पानी में रात ने भिगो दियो सुबह टाइम भी मंगाल दियो छः सात दिनों एक बार ये करता रहो तो दिमक कदी कौन लगे पौधे गए पौधों अच्छी तरह ग्रोथ करती तो मैं आज बता दी थानू पौधा लगाने की ट्रिक क्योंकि अब कहने दिखाई जन मन बस चीज़ याद आ गई चलो मैं शेयर कर दी सर सा चीज़ और सागर गए काम सागर के बिना बिल्कुल उदास हो गया सारे ही क्योंकि हमारे घर में वो ये किशोर को चंचल है बहुत ज़्यादा यहाँ सारा सागर बहुत ही खेल लूँ बोल लूँ आँसू बोलो ज़्यादा करे तो आदित्य थोड़ा चुप चुप रहे
और वो भी बिल्कुल उदास है। आदित्य सागर के जाए बाद में कमरे में ही बंद है, क्योंकि ना वो शाम ने खटी बारे गयो, ना खेलन गयो, ना बात में क्यों बेटा थोड़ी देर इन मैंने फिर गया तू फिर ना पहुँच जाऊँ। सागुरु जो तो बहुत अच्छी तरिया रहे, बजर खेल रास रहे, काल वो चुप चुप हो रही है। मैं कि बेटा बारे पढ़न जी सी तो जाना ही पड़सी, सागर ने घरे रखे के करा तू ही भी जा सी कदी भी एक दो साल की बात हो रही है। क्या तो यार तो चीज़ मैं मानू पर अब मन है मन ना लगे तो ना लगे। तो काल मैंने पूछो मन तिर जी कौन लगे कि आदित्य चुप चुप कहा हाँ मेरे जी कौन लगे सागर जी ना, तो सागर भी नथकिंग कौन लग रही, क्योंकि बिंगो इशो ही है स्वभाव। अब राजी हो रहे पोता रात फोन करियो वहाँ गाँव वाला क्या सागर भाई जी आ गया हमारे मौज मन गई। मैं कह आदित्य भाई उदास हो गए थारा तो मौज मन गई। तो आज की वीडियो में सुबह सुबह बना लग रही हूँ, सारा बारी जाड़ी कर गए और कपड़ा धोने लगाया हूँ, क्योंकि सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द हुए, किनी नींद ना आती हुए। तो जब नींद ना हुए तो आदमी भी बीमार हो जाए, नींद लेनी भी बहुत ज़रूरी है। तो थाने एक आसान सो तरीको बताऊँ भी अच्छी नींद किया हुए और सिर दर्द दुख हुए तो भी किया बंद हो जाए। तो सरसों को तेल ले गए तातो ना करियो ठंडो ले लियो, सरसों को तेल ने ले गए और अपने जो कि पगे पगथली है नहीं बैठे चुको चुको या तेल लगा के और अच्छी तरह मालिश करो पगथलियाँ की दोनों की, पाँच पाँच मिनट या दस दस मिनट तक या दोनों पगंग मालिश करो डेली की, तो बहुत ही अच्छी नींद आने लग जी। कितो ही तकड़ो सिर दुख तो है तो भी सिर ने भी बहुत ज़्यादा आराम आसी। तो आप बहुत ही अच्छी घरेलू चीज़ रहा, पर घरेलू ये कर गए खुश होनी कुछ चीज़ हो जाए बाहर जगह से आप जाना गोली ले लिया टेबलेट ले लिया भी जल्दी से अपना आराम आ जाए। तो इसी चीज़ आप पहला भी करानी तो इसी चीज़ों की दिक्कत आवे ही कौनी, छोटी छोटा नुकसा वह नॉर्मली सह करा तो आराम भी आ जाए। तो घना जने कह भी मन नींद को नहीं आवे, सिर में दर्द करे नींद ना आने का रोग बन जाए बहुत ज़्यादा। तो अगर नींद ना आए तो दिन में कर लियो जब भी थान टाइम मिले, या कौन भी सुबह शाम कद करना है दोपहर को भी टाइम हो जब भी थान टाइम मिले तो पग थलियंग थे भी सरसों के तेल गए नहीं मालिश कर लियो अच्छी तरह पाँच पाँच मिनट कर लियो तो बहुत ही ज़्यादा आराम आज। फिर गुनगुने से पानी पग दोगे अच्छी तरह पूछ लियो, गुनगुने पानी धोना ठंडे पानी को धोना पगाने भी तेल की मालिश करिए बाद में। तो ये चीज़ की गौर कर ले करो, कई बार मैं वीडियो बहुत अच्छी तरिया बताऊँ थानी चीज़ एक एक चीज़ अच्छी तरिया समझा वो करूँ भी इं करे करो या भी चीज़ मैं दो तीन बार रिपीट भी करूँ फिर भी मैंने ये कॉल आ जाए चीज़ का खातर भी बस अगणती चीज़ पूछने खातर। तो देखो दिन में मेरे को बहुत सारा फोन आवे तो कई बहुत ही जरूरी है बापड़ा खास भी हुए तो वह मेरे अटेंड कौन करी जाए, क्योंकि थे बस अगणती कई जना तो सही हो सागी सागी चीज़ मैंने बार बार पूछो थे तो थे मैंने पूछने के बजाय भी वीडियो तीन चार बारियाँ रिपीट करके देख ले करो तो थाने अच्छी तरह समझ में आसी आज सी। और मेरी बागड़ी भाषा है कोई मैं और तो बोलूँ कौन जो थान समझ को नहीं आए तो बागड़ी भाषा थान ध्यान भी आम खास सारा समझ आ जाए। तो वीडियो थे देख ले करो रिपीट करके थान सारी चीज़ समझ में आ जी सी। हाँ कॉल जब कोई जरूरी हो जाए ना कई चीज़ों जरूरी भी हो जाए भी पूछना भी पड़े तो मैंने पूछ सको तो भी बात को मैंने की कौनी कई जना तो तोड़ रहा है कि दीदी थान कुछ कहान तो वीडियो में ना बोल दे तो इसी कोई पर्सनल बात हुआ मैं वीडियो पर कौन बोलूँ भी बाइया का बाइया का। तो टेंशन फ्री हो गए फ़ोन करो कुछ भी थाने पूछना कई इसी भी चीज़ा हो जाए जबकि भी और किन बताने संख्या है फ़ोन पर मैंने पूछ लिए तो लेडीज़ का हो जाए भाई इसी दिक्कत तो टेंशन ना होगी। यार कई बापड़ा ये टेंशन में कौन पूछे भी किठा दीदी वीडियो में ना बता दे तो मैं इतनी पागल थोड़ी मैं भी वीडियो में इसी चीज़ों को शेयर करूँ बताऊँ तो खुल के मैंने पूछ को और मैं बता दे सूँ। तो सारा मेरी तरफ राम राम, कमेंट शेयर लाइक जरूर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। तो राम ही राम।